हजारों साल के संघर्षों के इतिहास में आप देखेंगे कि एक महिला जब अपने विद्रोह में आवाज उठाती है तो वो फूलन देवी बनती है। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इस देश की महिलाओं को सीता सावित्री नहीं द्रौपदी के पास जाना चाहिए, द्रौपदी को आइकॉन मानना चाहिए। मैं ये बात कहता हूं कि इस देश की महिलाओं को फूलन देवी को अपना आइकॉन मानना चाहिए, जिसकी आंखों को देख करके किसी को भी बलात्कार करने के पहले हजार बार सोचना पड़े। आज से तकरीबन आधी सदी पहले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में एक 9 साल की लड़की जमीन हड़पने के खिलाफ अपने ही चाचा से लड़ जाती है और अपने चचेरे भाई का सर फोड़ देती है। मजदूरी न मिलने पर मालिक के मकान को रातों रात ध्वस्त कर देती है। इस सबसे नाराज उसके घर वाले मात्र 10 साल की उम्र में उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा बड़े व्यक्ति के साथ जबरदस्ती उसकी शादी कर देते हैं। पति के घर पर भी वह दमन, शोषण व बलात्कार का शिकार होती है। बीमार होकर अपने घर लौटती है तो उसके पटीदार जमीन के झूठे मुकदमे में उसे फिर से फंसा देते हैं। पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो थाने में बलात्कार का शिकार होती है। वापस आती है तो डकैतों का एक गिरोह उसका अपहरण कर ले जाता है और आपसी रंजिश में जब दूसरा गिरोह उसे अपने गाँव ले जाता है तो कई दिनों तक दर्जनों लोगों द्वारा फिर से बलात्कार का शिकार होती है। उसे नंगा पूरे गांव में घुमाया जाता है। यह सब कुछ सहते हुए उसकी उम्र 20 साल से भी कम होती है। इसके बाद उस लड़की ने खामोशी से चुप रहना नहीं चुना, उसने आत्महत्या भी नहीं की, उसने चुना प्रतिरोध। और बिना मुकदमे के उसे 11 साल जेल में रखा गया। जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया तब वह जेल से बाहर आती है और इस लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई प्रतिनिधि बनकर संसद तक पहुंचती है, मगर इस देश ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। आजाद भारत में पहली बार होता है कि संसद सत्र के वक्त दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में दिन दहाड़े उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अपराधी शान और शौकत से आकर कहता है कि उसने 20 साल पहले के ठाकुरों के अपमान का बदला ले लिया है। वह महिला जो एक साथ जातिवाद, सामंतवाद और पितृसत्ता से लड़ती हुई अपने मुकाम में कामयाब होती, आगे बढ़ती है, मगर इस जमाने को वह रास नहीं आती है। वह महिला जो डकैत से रॉबिन हुड तक का सफर और दुर्गा भवानी की पूजा से बुद्धिस्ट होने की यात्रा तय करती है, जिस पर दुनिया में कई किताबें लिखी जाती हैं, टाइम्स मैगजीन उसे दुनिया की विद्रोही नायिकाओं में शुमार करता है, मगर इस देश के बुद्धिजीवी तबके के द्वारा कभी वह स्वीकार नहीं की जाती है। वह महिला जो ये सवाल उठाती है कि सीता का अपहरण करने मात्र पर रावण का हर साल पुतला जलाते हो और जब मैंने अपने अपमान का बदला लिया तो मुझे डकैत कहते हो। वह महिला जो कहती है कि मैं दोबारा कभी औरत बनकर गरीब कमजोर जाति में नहीं पैदा होना चाहूंगी। वह महिला जो ये ख्वाब देखती है कि इस मुल्क में कभी किसी औरत के साथ जुल्म ज्यादती ना हो। एकलव्य सेना बना करके वह जेल में बंद महिलाओं से लेकर घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए काम करती है। उस महिला के गुजरे अरसा हो गया, मगर आज भी वह अपने इलाके के लोकगीतों, विवाह गीतों में बड़ी शान और शौकत से याद की जाती है। जी हम बात कर रहे हैं आजाद भारत की क्रांतिकारी विद्रोही महिला फूलन देवी पर, सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड में। अभिवादन कबूल करिए लक्ष्मण यादव का और स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला में। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई स्त्री को मारना भी बुरा नहीं लगता। औरतें रोती जाती हैं, मर्द मारते जाते हैं। औरतें रोती हैं, मर्द और मारते हैं। औरतें खूब जोर से रोती हैं, मर्द इतनी जोर से मारते हैं कि वे मर जाते हैं। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही हो मेरी माँ रही होगी। मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वह आखिरी स्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और यह मैं नहीं होने दूंगा।
ये पंक्तियां हैं रमाशंकर यादव विद्रोही की। और फूलन देवी पर बात करते हुए न जाने क्यों ये पंक्तियां बेतरह मौजू होकर याद आती। फूलन देवी एक ऐसी महिला जिसके साथ अन्याय उसके अपने इलाके के लोगों ने ही नहीं किया, आजाद भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संस्थान संसद में चुन कराने के बाद भी इस देश ने उसे न कबूल करके उससे ज्यादा बड़ा अन्याय किया। उसके संघर्षों को वह तवज्जो नहीं दी गई जो मिलनी चाहिए थी। फूलन देवी आजाद भारत में स्त्री संघर्षों का एक प्रतीक बननी चाहिए थी जो नहीं बनी। फूलन देवी को हिंसा का प्रतीक, डकैत, दस्य सुंदरी और अपराधी घोषित कर दिया गया। दुनिया में जिस महिला को विद्रोही नायिकाओं में शुमार किया गया हो उसे अपने ही देश में वह जगह नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी। आज हम बात कर रहे हैं फूलन देवी के उस पूरे जीवन काल पर जिसे नई पीढ़ी को जानना बेहद अहम बन जाता है, और खासकर महिलाओं के संघर्ष की जब बात हो, जेंडर जस्टिस की जब बात हो, तो फूलन देवी की बात के बिना यह सारी बातचीत अधूरी व उथली होगी। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गुहरे का पुरवा नामक के गांव में 10 अगस्त 1963 को मल्लाह जाति के एक बेहद गरीब सामान्य परिवार में हुआ। पिता किसान थे जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन हुआ करती थी। वह इलाका चंबल के आसपास का था जहां किसी भी तरह का कोई भी विकास, कोई भी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाई थी। बेहद पिछड़े इलाके में, बेहद सामान्य परिवार में, बेहद गरीब पृष्ठभूमि में मल्लाह जाति में फूलन की परवरिश शुरू होती है। फूलन जब 9 साल की होती हैं तो उनके चाचा मयादीन जब उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो सारा परिवार खामोशी अख्तियार करता है, मगर फूलन देवी अपने इंटरव्यू में से लेकर के अपनी आत्मकथा में इस बात को याद करते हुए कहती हैं कि वह अपने चाचा से लड़ती हैं और अपने चचेरे भाई का सर फोड़ देती हैं। एक घटना का जिक्र फूलन देवी अपनी जीवनी में करती हैं कि एक बार दिन भर काम कराने के बाद भी उसे जब मजदूरी नहीं मिलती है तो रात में उस मालिक के मकान को जाकर के गिरा देती हैं। यानी फूलन बचपन से एक विद्रोही तेवर में पलती बढ़ती हैं। यह सब देखकर परिवार बेहद खफा होता है। मात्र 10 साल की उम्र में फूलन देवी का विवाह उनसे 20-25 साल उम्र में बड़े अधेड़ पुत्तीलाल मल्लाह से कर दिया गया। पुत्तीलाल मल्लाह के घर जब फूलन जाती हैं और जबरदस्ती उनका गौना कराया जाता है। एक इंटरव्यू में फूलन की माँ कहती हैं कि हम मजबूरी में उसे यहाँ से भेज रहे थे क्योंकि वह बहुत विद्रोही और गुस्सैल स्वभाव की हो रही थी। उसे नाराजगी होती है अपने आसपास के माहौल को देख करके। और जब पुत्तीलाल मल्लाह के घर फूलन जाती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा दमन, हिंसा, मारपीट के साथ साथ जबरदस्ती बलात्कार का शिकार होती है। फूलन बीमार होती है तो वापस अपने घर चली आती है। कुछ दिन बाद जब स्थिति सामान्य होती है और जब वापस अपने घर पुत्तीलाल मल्लाह के यहाँ जाना चाहती है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि उसने दूसरी शादी कर ली और इसे मार पीट कर भगा देता है। फूलन वापस आती है। जब फूलन अपने माँ के यहाँ रहने लगती हैं और अपने चाचा से फिर अपनी जमीन के हिस्से को लेकर के लड़ना शुरू करती हैं तो कहानी ये मिलती है कि मायादीन उन्हें झूठे मुकदमे में फिर से फंसाते हैं, पुलिस पकड़ कर ले जाती है। और कई जगह ये किस्सा दर्ज है कि पुलिस थाने में भी फूलन के साथ बलात्कार होता है। उसके बाद 16 साल की उम्र में उसे डकैतों का एक गिरोह जबरदस्ती घर से उठा ले जाता है और वहां भी उसका शोषण किया जाता है। वहीं आपसी रंजिश में ठाकुर डाकुरों का एक गिरोह जिसमें श्रीराम ठाकुर और लाला ठाकुर ये लोग होते हैं जो आपसी रंजिश में किसी पुरुष के हत्या का बदला लेने के लिए फूलन देवी को जबरदस्ती उठा ले आते हैं और बहमई गांव में
कई दिनों तक दर्जनों लोगों द्वारा फूलन का बलात्कार किया जाता है, उसे नंगा पूरे गांव में घुमाया जाता है। फूलन अपने इंटरव्यू से लेकर के अपनी किताब में इस घटना को याद करते हुए सिहर जाती हैं और कहती हैं कि मैं पूरे गांव से मदद मांगती रही लेकिन किसी गांव वाले ने मदद नहीं की और मेरा कई दिनों तक शोषण होता रहा, मैं बेहद बीमार और टूट चुकी थी। और उसके बाद फूलन वापस जब किसी तरह भागने में सफल होती हैं तो वह डाकुओं के गिरोह के साथ, विक्रम मल्लाह के साथ और नए तरह से अपने पूरे गिरोह को एकजुट करती हैं और अपने अन्याय, अत्याचार व शोषण का बदला लेने के लिए 14 फरवरी 1981 को बहमई गांव में आती हैं। वहां शादी चल रही होती है। इस किस्से को बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको लेकर के ही सारा विवाद है। कहा यह जाता है कि फूलन निर्दोष गांव वालों की हत्या कर देती है, जिसमें 27 लोगों पर गोली चलती है, 21 या 22 लोगों की मौत हो जाती है। मगर जब फूलन देवी की अपने इंटरव्यू और अपनी किताबों को पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह तथ्य छुपाया गया कि फूलन देवी लगातार उन लोगों से यह पूछती हैं कि ये ठाकुर लाला राम और श्री राम कहां हैं, आप हमारी मुखबिरी करते हो तो हमें इनका पता बता दो जितने लोगों ने हमारा बलात्कार किया। उस गांव में कोई भी व्यक्ति फूलन की मदद नहीं करता, न तो जब बलात्कार होता है तब कोई गांव वाला मदद करता है और न जिस दिन 14 फरवरी 1981 को जब फूलन बहमई आती हैं तो वो पूछती हैं कि कहां हैं वो लोग, आप मुझे बताओ, मेरी मुखबिरी आप इनसे करते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे, आप उनका पता हमें बता दीजिए। लेकिन गांव में सब लोग ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कहां हैं, कैसे हैं, क्योंकि उसके आने के पहले वो सारे अपराधी जो बलात्कारी थे वो गांव छोड़ चुके होते हैं। और इसके बाद उस क्रोध में, उस गुस्से में फूलन जब ये कहती है कि आप क्यों आप नहीं बता रहे हो, आप क्यों उनका पक्ष ले रहे हो जो बलात्कारी हैं, डकैत हैं, जिन्होंने मेरी अस्मत लूटी है, मेरी इज्जत लूटी है, और इस क्रोध में फूलन उस 22 लोगों के ऊपर फूलन का गिरोह हमला करता है जिसमें से 21 से 22 लोग मारे जाते हैं। आज भी आप जाएंगे तो वहां उन्हें शूरवीर कर्मवीर कहा गया है। ये बात ठीक है, इस पे आप बहस कर सकते हैं कि जिन्होंने बलात्कार किया उनको नहीं मारा गया, मगर हिंसा, अपराध, इन सब का अगर समाज शास्त्री विश्लेषण अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप किसी भी तरह से न्याय के पक्ष में नहीं खड़े हैं। जिस महिला का इतना बलात्कार हुआ वह महिला अपने इंटरव्यू में बोलती है कि मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं आत्महत्या कर लेती, या तो मैं चुपचाप सब सहती और जैसे बाकी महिलाएं सह रही थी वैसे सहती, लेकिन मैंने यह समझा कि यह जो जातिवाद है, बड़ी जाति के लोग छोटी जाति की महिलाओं को वस्तु समझते हैं। फूलन अपने इंटरव्यू में यह कहती हैं कि मैं अगर नहीं बोलती तो जाने कितनी महिलाओं का शोषण होता आया था, वैसे ही जाने कितनी महिलाओं का शोषण होता चला जाता। तो प्रतिरोध स्वरूप में, प्रतिकार करते हुए मैंने उस जातीय वर्चस्व के सामंती पित्त सत्तात्मक उस पूरी संरचना पर हमला किया। और इसे यह कहा जाता है कि फूलन देवी हिंसा व हत्या की बात करती हैं। तो जो शोषण महिलाओं पर आज भी चला आ रहा है, और यह इंटरव्यू आपको जरूर पढ़ना चाहिए, बीबीसी पर यह इंटरव्यू मिलेगा, जिसमें हाथरस की गैंगरेप पीड़िता जब 2020-21 में उसके परिवार वाले बात करते हैं तो वह कहते हैं कि हमें तो आज भी नहीं न्याय मिल रहा है क्योंकि हम दलित हैं, हम पिछड़े सबके के लोग हैं, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम फूलन जैसा हथियार उठा लेंगे। फूलन देवी ने वह आत्मविश्वास इस देश के महिलाओं के भीतर भरा। 2 साल तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई जिलों की, कई राज्यों की पुलिस फूलन को पकड़ती रही लेकिन वो नाकामयाब थी। फूलन की तस्वीर तक पुलिस के पास नहीं थी और लगातार फूलन को अपराधी बना करके इनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही थी। बहमई हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह की सरकार थी और वीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो दस्त उन्मूलन करके एक अभियान चला रहे थे। मैं फिर से कह रहा हूं, जब आप डकैती को पढ़ें, समझें, तो एक बार उसका समाजशास्त्रीय विश्लेषण जरूर करिएगा कि कौन लोग डकैत बने और क्यों। क्या जाति वर्चस्व में ठाकुरों की डकैती वाला मामला, अगर सोचिए एक सामाजिक संरचना में दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं तो वह डकैत कैसे बनेंगे पहले, यानी उनके ऊपर जाति, सामंती ताकतों का दमन होता है, उसकी प्रतिक्रिया में यह किया गया। लेकिन इस देश में डकैत डकैत कहकर के, जैसे नक्सली कहकर के आदिवासियों को मारा जा रहा है, जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी कहकर के मुसलमानों को मारा जा रहा है, वैसे ही डकैत की परिभाषा ही गलत है, विमर्श अधूरा है
और इसीलिए फूलन देवी के साथ कभी भी इस देश की एकेडमिया ने, इस देश के बुद्धिजीवियों ने न्याय नहीं किया। और दो साल तक फूलन देवी लगातार छिपती रही, लेकिन जब इंदिरा गांधी की पहल पर अर्जुन सिंह की सरकार के सामने उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि वह समर्पण करेंगी, तो उन्होंने 1983 में आत्मसमर्पण करने के लिए उत्तर प्रदेश नहीं मध्य प्रदेश को चुना। और मध्य प्रदेश को चुना तो जब फूलन देवी को आत्मसमर्पण करने के लिए आना था तो उस समय लाखों लोगों की भीड़ सड़क पर आ गई। और वो लोग कौन लोग थे? वो लोग थे जो ये समझते थे कि फूलन देवी उनकी आवाज है, उनका आत्मविश्वास है, क्योंकि फूलन देवी उनके लिए रॉबिन हुड थी। फूलन देवी गरीबों, कमजोरों, मजलूमों के पक्ष में खड़े होकर के न्याय की बात करती थी। और ये सब किस्सा होता है, फूलन देवी आत्मसमर्पण करती हैं, वो अपनी शर्तें रखती हैं। इंदिरा गांधी का एक वाकया है बीबीसी पर, ये इंटरव्यू आपको जरूर देखना चाहिए। इसमें वो किस्सा मिलता है कि जो चतुर्वेदी एसपी था, वो जब जा करके अर्जुन सिंह और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सारे लोग होते हैं, 1983 की बात है, जब उनसे कहते हैं कि ये फोटो देखिए, हमने पहली फोटो फूलन देवी के लिए, तो मैडम प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि यह तो बहुत सुंदर नहीं है। उसे दस्य सुंदरी कहा जा रहा था। और बाद में इस मीडिया ने यह अपमानित किया कि वह तो देखने में सुंदर नहीं है, वह तो बहुत बुरी शक्ल की है। यह जो पैट्रियार्की है, जो सुंदर होने के पैमाने तक को बताती है कि सुंदर होना गोरा होना है, सुंदर होना पतला होना है, सुंदर होना यह होना है, और करोड़ों अरबों रुपए की ब्यूटी प्रोडक्ट बेचती है, वहां फेमिनिज्म की बात फूलन देवी की इस पूरे जीवन संघर्ष के बिना उथली नहीं लगेगी। आत्मसमर्पण होता है 1983 में, शर्त फूलन देवी और ये रखती है कि उनके किसी भी गिरोह के सदस्य को फांसी नहीं दी जाएगी, और उनको बाकायदे पूरे आत्मसम्मान के साथ उनको गिरफ्तार किया जाए और आत्मसमर्पण करने के बाद जेल में रखा जाए और उत्तर प्रदेश में न रखा जाए। तो 1983 से 1994 तक लगातार फूलन देवी जेल में रहती हैं, और याद रखे 11 साल जेल में फूलन देवी रहती हैं, जब तक कोई मुकदमा, कोई सुनवाई नहीं होती, केवल आत्मसमर्पण किया और जेल में रखती हैं। यह है न्याय प्रक्रिया। जब भी आप इस तरह के विमर्शों पर आग बबूला हो, आपके कान से धुआं निकलने लगे कि वो हिंसा करती हैं, उन्होंने बेगुनाहों को मारा, तो आप ये जरा देखिए ना कि जेलों में बेगुनाह कौन लोग हैं जिनके कोर्ट मुकदमों की सुनवाई नहीं हो रही। फूलन देवी 11 साल जेल में रहीं और उनके मुकदमे की कोई सुनवाई नहीं हुई। 1994 का वक्त आता है और उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में होती है, और वो लोग जो पहले फूलन देवी मध्य प्रदेश के जेलों में बंद थी, बाद में तिहाड़ जेल में बंद रही, और अरुंधति राय तो ये कहती हैं, और फूलन देवी की ऊपर जो किताब है, इस किताब में भी इसका जिक्र मिलता है कि फूलन देवी का यूट्रस निकाल दिया गया चुपके से जेल में, ताकि कोई दूसरी फूलन देवी न पैदा हो जाए। और इन सब के साथ 1994 में जब मुलायम सिंह यादव फूलन देवी के ऊपर लगे सारे आरोपों को बरी करके उन्हें जेल से बाहर करते हैं, तो पूरे देश के सियासत में भूचाल आता है कि कैसे एक अपराधी, एक डकैत को जेल से बाहर कर दिया गया। ये वो दौर नहीं था जब लोग मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ऊपर लगे मुकदमों को खुद ही वापस कर लेते थे, लोग तड़ी पार होने के बाद भी इस देश के सबसे बड़े मंत्री के पद पर बैठते थे। ये वो दौर था जिसमें यह न्याय की बात की गई थी, और फूलन देवी के ऊपर जब मुकदमों को वापस लेकर के एक नया जीवन जीने की जो एक मौका मिला, उस वह मौका आता है 1996 में, जब मिर्जापुर से फूलन देवी को लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी के टिकट पर यह पहलकदमी करने का मौका मिलता है। 1996 के लोकसभा चुनाव में फूलन देवी को समाजवादी पार्टी लोकसभा का प्रत्याशी बनाती, और यह राजनीति के भूचाल के लिए पर्याप्त था। एक मल्लाह जाति की महिला जिसने आत्मसम्मान के लिए, अपने वजूद के लिए आवाज उठाई, उसको जेल से बाहर निकाला गया और उसको चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, इस देश को यह कबूल ही नहीं था। तमाम आरोप लगाए गए कि यह तो बहुत बड़ा अपमान है, लेकिन फूलन देवी लगातार अपने इंटरव्यू से, अपनी किताब में कहती हैं कि मुलायम सिंह यादव के चलते उनको एक नया मौका मिला। फूलन देवी अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि मैं यह सोचती थी कि मुझे यह समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे डकैत कहेगा। और वहीं वो याद करती हैं कि सीता का अपहरण करने वाले रावण का हर साल पुतला फूंकते हो कि उसने एक महिला का अपमान कर दिया,
और मेरे साथ इतना अपमान हुआ और मैंने उस अपमान का बदला लिया, तो मुझे डकैत और अपराधी कहते हो? ये फूलन देवी का सवाल था। उन फूलन देवी से सवाल पूछा जाता है कि आपके साथ आप क्या, आपके साथ सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा, मुझे अगर मौका मिले तो मैं फिर से एक बच्ची बनना चाहूंगी और नया जीवन जीना चाहती हूं। मैं फूलन देवी नहीं बनना चाहती और इस देश में किसी के साथ बना हो जो फूलन देवी के साथ हुआ। ये आत्मविश्वास, ये दृष्टि थी फूलन देवी की। और 1996 के चुनाव में वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से चुनाव जीतती हैं और 1998 के चुनाव में वो लोकसभा में हार जाती हैं। फिर 13वीं लोकसभा के चुनाव में वह फिर से जीत जाती हैं और उसके बाद 25 जुलाई 2001 का दिन दिल्ली में संसद सत्र चल रहा होता है। वीवीआईपी इलाके में सांसद, एक महिला जो सांसद के लिए जो आवास आवंटित है वहां रहती है और वहां उनकी दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। कल्पना करिए कि यह सब कैसे हो गया, यह कितना आसान है। यह संसद सत्र चल रही है, वीवीआईपी इलाका, सांसदों का आवास, और लोकसभा में लंच होने के बाद जब फूलन देवी वापस अपने घर आ रही होती है तो वहां उनकी हत्या हो जाती है। अब हत्या के पीछे कहानी क्या कि फूलन देवी ने एकलव्य सेना बनाई थी। यहां से आपको सामाजिक न्याय की विचार की समझनी चाहिए। फूलन देवी दुर्गा भवानी से होते हुए बुद्धिस्ट होने की यात्रा करती हैं। फूलन देवी पढ़ने को लालायित होती हैं। एक इंटरव्यू में कहती हैं कि मैं पढ़ना चाहती हूं क्योंकि मैं नया जीवन जीना चाहती हूं, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है। कल्पना करिए उस महिला को जिसे यह सब मौका ही नहीं मिला गया और उसकी अस्मत को इस तरह कुचला गया गोया उसके लाइफ की कोई डिग्निटी नहीं हो। कहां है संविधान, कहां है न्याय, कहां है हिंसा की परिभाषाएं, वो सारे अपराधीकरण की परिभाषाएं कहां हैं जब ये बातें सामने आती। तो फूलन देवी एकलव्य सेना बना करके वंचितों शोषितों के बीच एक काम करना चाहती हैं। वो लगातार रामविलास पासवान के साथ, या आप राखी बांधते हुए रामविलास पासवान को इन तस्वीरों में देखिए, या मुलायम सिंह यादव को वो बार बार कहती हैं कि उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया। वो लगातार ये कहती हैं कि मुझे इस देश की महिलाओं के लिए काम करना है। वो जेल में बंद महिलाओं के लिए काम करती हैं, वो घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं के लिए काम करती हैं। तो एकलव्य सेना बना करके वो लड़कियों और महिलाओं को ताकतवर, हिम्मत वाला बनाने के लिए अलग अलग देश के इलाकों में अपना काम कर रही होती हैं। उत्तराखंड की एक महिला जिसका नाम शायद सुनीता बताया जाता है, उसके साथ एक उमा कश्यप नाम का व्यक्ति, उसका दोस्त आता है और जो मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि ये एक व्यक्ति है जो आपके साथ काम करना चाहता है, और वह होता है शेर सिंह राणा। 25 जुलाई 2001 का दिन, नाग पंचमी का दिन, उसी शेर सिंह राणा को, ये उमेद सिंह ने बीबीसी के इंटरव्यू में खुद अपना ये बयान दिया है कि उसको फूलन देवी ने अपने हाथ से खीर खिलाई क्योंकि वह एक दो दिन पहले आ चुका था फूलन देवी के घर, जो एकलव्य सेना के साथ मिलकर के काम करने की बात कह रहा था। और जब वो उस फूलन देवी लोकसभा जाती हैं, उतनी देर में ये साजिश को मुकाम दिया जाता है। और जब वापस दोपहर में अपने साथी सांसद की गाड़ी से फूलन देवी आती हैं, क्योंकि उस समय उनकी गाड़ी बनने को गैरेज में गई होती है, तो वह साथी सांसद अपने सांसद आवास के दरवाजे पर जब पहुंचती हैं तो फूलन देवी कहती हैं कि आप हमें यही उतार दीजिए, यहां से हम पैदल चले जाएंगे। और उसी के गेट पर वो हरे रंग की मारुति खड़ी होती है जिसमें 3 नकाबपोश व्यक्ति पहले से घात लगाए बैठे होते हैं। और फूलन देवी इधर से उतरकर पैदल आती हैं, संसद की गाड़ी निकल जाती है और इधर से ये तीनों व्यक्ति 5 गोलियां फूलन देवी पर चलाते हैं जिसमें से 3 उनके शरीर पर लगती है और मस्तिष्क पर लगती है और फूलन देवी की वहीं हत्या हो जाती है। और वो शेर सिंह राणा उस समय घर में रहता है और उसके बाद वो तुरंत वहां से फरार हो जाता है। और 2 दिन बाद वो सहारनपुर पुलिस के सामने हाजिर होता है और खुद एक वालिया बयान देता है कि मैंने 20 साल पहले राजपूतों की आन बान शान में जो काला धब्बा लगा था बहमई कांड, उसका बदला लिया है और मैंने फूलन देवी को मारा है। बाद में तमाम इंटरव्यू में वो शेर सिंह राणा पलट जाता है कि मैंने हत्या नहीं की, लेकिन शुरुआत में उसने ये बयान दिया। आरोप लगता है कि फूलन देवी के पति उम्मेद सिंह भी इस घटना में शामिल है। बहुत तरह के विवाद हैं, बहुत तरह की राजनीति है, मगर अफसोस की बात यह कि एक महिला जो जब तक डकैत समझी गई
तब तक वो अलग तरह से साजिशों का शिकार होती रही, जेल में रही तो अलग तरह से साजिशों का शिकार होती रही, और जब वो एक नया जीवन जीना चाह रही थी, वो एक नया सफर का आगाज कर रही थी, एक तरफ वो अपनी आत्मकथा लिखवा रही थी, एक तरफ वो एकलव्य सेना के जरिए महिलाओं, लड़कियों और वंचितों के लिए काम कर रही थी, उसे साजिशन गोली का शिकार दिन दहाड़े दिल्ली के वीवीआईपी में इलाके में कर दिया जाता है। यह है इस देश का लोकतंत्र। और यहां आकर के आपसे सवाल पूछना मौजूद हो जाता है कि ऐसा क्यों है कि यह सब कुछ इतना आसानी से हो गया। मुलायम सिंह यादव के पहल पर उनके शव को उनके लोकसभा क्षेत्र भदोही ले जाया जाता है, आम जनता उनके दर्शन को मरती है, तमाम बड़े बड़े नेता अफसोस जाहिर करते हैं। अब इससे दिलचस्प बात समझिए कि जो जिस व्यक्ति ने सामने आकर के ये कहा कि मैंने फूलन देवी की हत्या की है, वह 2004 में यह बयान देता है कि मैं चंद दिनों में तिहाड़ जेल से फरार हो जाऊंगा, और 17 फरवरी 2004 को वह तिहाड़ जेल से फरार हो जाता है। एक टेम्पो आता है और वो उसमें से एक वर्दीधारी उतरता है और कहता है कि मुझे शेर सिंह राणा को पेशी के लिए ले जाना है, और तिहाड़ जेल के सारे कर्मचारी उसे दे देते हैं। यानी 17 फरवरी 2004 को घोषणा करने के बाद वह शेर सिंह राणा जेल से फरार होता है, 17 मई 2006 को कोलकाता के गेस्ट हाउस से दोबारा गिरफ्तार होता है, 14 अगस्त 2014 में दिल्ली की निचली अदालत उन्हें आजीवन कारावास देती है, अक्टूबर 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट 50,000 के जुर्माने पर शेर सिंह राणा को जमानत दे देती है। और अखबार की भाषा देखिए, ये भाषा आपको बताएगी कि इस देश में वंचित शोषित तबके का होने के बाद आप डकैत ही रह जाते हैं। और जब यह शख्स बाहर आता है तो इसे हिंदू हृदय सम्राट कहकर के सम्मानित किया जाता है। यह राजपूतों की आन बान शान होता है, यह तलवार लेकर प्रदर्शन करता है, यह इस देश में होता है। एक मल्लाह जाति की महिला जो जीवन भर जातिवाद, सामंतवाद और पितृसत्ता से लड़ने के एक प्रतीक बनती है, उसका हत्यारा इस देश में राजनीतिक पार्टी बना बना करके घूम घूम करके स्वागत सम्मान समारोह में अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और ये भीड़ कौन लोगों की भीड़ है, यह भी आप देखिए। फूलन देवी ने अपनी एक जीवनी भी लिखवाई, आई फूलन देवी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियाज बैंडिट क्वीन, जिसमें फूलन कहती हैं कि व्हाट अदर कॉल्ड क्राइम आई कॉल्ड जस्टिस, जिसे बाकी लोग अपराध कहते हैं मैं उसे न्याय कहती हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, फूलन देवी पर बात करते हुए आपको ठहरना होगा और अपराध के समाजशास्त्र पर, डकैत होने के समाजशास्त्र पर, हिंसा के समाजशास्त्र पर ठहर कर विचार करना होगा। पितृसत्ता, जातिवाद, सामंतवाद, इन तीनों के नेक्सस को लेकर के अगर आप इन शब्दों के गहरे मनोविज्ञान को, समाजशास्त्र को समझेंगे, तभी आप फूलन जैसी शख्सियत के साथ न्याय कर पाएंगे, जो इस देश के बुद्धिजीवियों ने, अकादमिक जगत ने कभी नहीं किया। माला सेन ने अपनी किताब लिखी इंडियाज बैंडिट क्वीन द ट्रू स्टोरी ऑफ फूलन देवी, इसी पर आधारित बैंडिट क्वीन नाम से शेखर कपूर ने 1994 में एक फिल्म बनाई जिसमें सीमा विश्वास ने फूलन देवी का रोल किया, जिस पर कई तरह के आरोप लगे, खुद फूलन देवी ने भी कई आपत्तियां दर्ज कराई, मगर बावजूद इसके वह फिल्म बैंडिट क्वीन देश ही नहीं पूरी दुनिया में लोकप्रिय करती है फूलन देवी को। इसने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते और फूलन देवी एक विद्रोही नायिका के रूप में पूरी दुनिया में चर्चित होती है। रॉय मैक्सहम ने अपना एक पत्र व्यवहार किया फूलन देवी के साथ, और जब फूलन देवी ने उसका जवाब दिया तो मैक्सहम वापस यहां इंडिया आते हैं और फूलन देवी के साथ बातचीत करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, और इन सब से मिलकर के एक जीवनी लिखते हैं जिसे आउटलॉ इंडियाज बैंडिट क्वीन एंड मी इस नाम से प्रकाशित किया जाता है। इस किताब पर टेलीग्राफ लिखता है, डेली टेलीग्राफ, अ मॉडर्न डे रॉबिन हुड, आज के दौर के रॉबिन हुड। टाइम्स लिखता है कि वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रिमार्केबल वुमेन, वह मोस्ट रिमार्केबल वुमेन, वह रॉबिन हुड अपने जीवन के उत्तर काल में बुद्धिज्म के करीब जा रही होती है। वह एकलव्य सेना बना करके वंचितों शोषितों के पक्ष में न्याय, हक व हुकूक के लिए लड़ने का काम करती है।
फूलंदे भी। इस देश में जब हाथरस की पीड़िता को याद आती है तो फूलंदे भी अपने उस पूरे वजूद के साथ जिंदा है। फूलंदेवी पर लोकगीत बने। चंबल के इलाकों में आज भी लोग अपने लोकगीतों में, विवाह गीतों में फूलंदेवी को बहुत शान शौकत से याद करते हैं। यह तमाचा है उस फेक जेंडर डिस्कोर्स पर, वो फेक सोशल जस्टिस पर, वो फेक पॉलिटिकल एकेडमिक डिस्कोर्स पर जो फूलंदेवी को हिंसा, अपराधी व डकैत की छवि से बाहर कभी देख ही नहीं पाए। दुनिया फूलंदेवी को एक विद्रोही समझती रही और हमारे देश में फूलंदेवी एक अपराधी ही रही। जबकि फूलंदेवी अगर किसी और मुल्क में होती या यही मुल्क अगर वाकई एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होता, आजाद ख्याल होता, तो वो फूलंदेवी को अपने सर आंखों पर बिठाता। क्योंकि हिंसा की परिभाषा, दमन व शोषण की परिभाषा, आप केवल यह देख रहे हैं कि कुछ पुरुषों को मार दिया जिसको आप कह रहे हैं बेगुनाह, और आप कभी इस डिस्कोर्स में नहीं गए कि फूलंदेवी और उसके लोग लगातार पूछते रहे कि आप हमारे बलात्कारियों का साथ मत दीजिए। आप बताइए वो लाला दीन और श्रीराम लाल ठाकुर और लाला ठाकुर कहां हैं? उस गांव वालों ने न फूलंदेवी को बलात्कार के समय रोका, साथ दिया फूलंदेवी का, न उस दिन साथ दिया, और उस गुस्से में फूलंदेवी का आक्रोश सामने आता है। हजारों साल के संघर्षों के इतिहास में आप देखेंगे कि एक महिला जब अपने विद्रोह में आवाज उठाती है तो वो फूलंदेवी बनती है। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इस देश की महिलाओं को सीता सावित्री नहीं द्रौपदी के पास जाना चाहिए, द्रौपदी को आइकॉन मानना चाहिए। मैं ये बात कहता हूं कि इस देश की महिलाओं को फूलंदेवी को अपना आइकॉन मानना चाहिए, जिसकी आंखों को देख करके किसी को भी बलात्कार करने के पहले हजार बार सोचना पड़े। इस देश में पैट्रियार्की आज भी हाथरस उन्नाव कर रही है। कठुआ की गैंग रेप के शिकार लोगों के को न्याय नहीं मिला, उन्नाव की रेप पीड़िता को न्याय मिला, कहां मिला? हाथरस में जो बेटी रात को जला दी गई वो महिला कौन लोग हैं? अगर फूलंदेवी इस देश की आइकॉन होती तो कठुआ, उन्नाव व हाथरस नहीं होता, और फूलंदेवी हाथरस के बलात्कार पीड़ितों को याद नहीं आती। यह है फूलंदेवी की आवाज, यह है फूलंदेवी की अहमियत।